ठीक है, तो चार्ज क्या होता है हमको पता चल गया, चार्ज की प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब हम किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें ना, क्योंकि अभी हमें नॉर्मली जो बॉडी दिखती है उन पे तो मतलब न्यूट्रल होती है, नेट चार्ज तो सबके अंदर है पर नेट चार्ज जीरो होता है। हमको चाहिए कि नेट चार्ज जीरो ना हो, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो किसी बॉडी को हम किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, तो लिखो डिफरेंट मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी, डिफरेंट मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी। चलो तुम बता सकते हो कोई तरीका, तुमने जो देखे हो खुद एक्सपीरियंस करे हो चार्ज करने के, हीटिंग से, बाय हीटिंग, ये हीट कर रहे तो इलेक्ट्रॉन उड़ जाते हैं ऐसा कुछ। तुम में से किसी को कोई एग्जांपल बताया क्या हीटिंग का? हाँ मतलब तुम हीटिंग उस लेवल की हीटिंग बोल रहे हो कि भाई इलेक्ट्रॉन है जो एक्साइट होकर बाहर निकल गए, टच कर दिया है। अब यहाँ पे तुम दो कॉन्सेप्ट्स को मिस कर रहे हो, पर ठीक है मैं क्लैरिफाई कर दूंगा ना, ये भी सही है, इस तरह से भी हम कुछ ना कुछ करते हैं। रब करने के लिए दो बॉडीज़ का चार्ज होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ ना, बिल्कुल क्लैरिटी से समझते हैं क्या होता है। तो अब हमारे पास अलग अलग तरीके की बॉडीज़ हो सकती है ना, मान लो अगर हमारे पास तीन तरीके बता रहे हो ना, मेटल्स बोलना बिल्कुल सही नहीं है, कंडक्टर्स बोलना एग्जैक्टली सही है, फॉर कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है? मेटल्स। ये सारी प्रॉपर्टीज तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में ना, कि कब कंडक्टिविटी बढ़ रही है कब कम हो रही है वो तुम्हें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर कंडक्टर्स हैं हमारे पास, दो कंडक्टर्स हैं, उनको किस तरह से चार्ज करें? तो एक तरीका हम होता है हमारे पास सबसे सिंपल, बाय कॉन्टैक्ट। कंडक्टर्स का मतलब ही है, जब हम कंडक्टर बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर की बात कर रहे हैं, हीट के कंडक्शन की बात नहीं कर रहे यहाँ पे ना, बाय डिफॉल्ट। तो जब मैं बोल रहा हूँ कंडक्टर, उसका मतलब है कि उस पर चार्ज फ्लो कर सकता है। कंडक्टर मतलब क्या है? उस पर चार्ज फ्लो कर सकता है। तो मान लो तुम्हारे पास दो कंडक्टर्स हैं ए और बी, ए पे से एक्स्ट्रा चार्ज था, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे, से इस पे -5 कूलम का चार्ज था, और यहाँ पे एक आइडेंटिकल कंडक्टर है, मान लो टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं, टू आइडेंटिकल कंडक्टर तो थे भाई, इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था इनिशियली। इन दोनों को तुमने क्या करा, कॉन्टेक्ट में लेके आए, टच कर दिया, और टच करके तुमने अलग कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा बताओ, समझ गए ना? इनको पहले ऐसे कांटेक्ट में लाए, थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट में रखा, फिर दूर दूर कर दिया, फिर तुमने नोटिस करा दोनों पे -2.5 और -2.5 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो कांटेक्ट है ना, अगर कंडक्टर्स हैं, क्योंकि कंडक्टर्स पे चार्ज फ्लो कर सकता है, तो उनको पता है चार्ज करना बहुत आसान है, बस किसी भी एक चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल के पास ले आओ, चार्ज अपने आप फ्लो कर जाएगा। तब तक फ्लो करेगा जब तक उन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब पोटेंशियल क्या होता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको लिखो फटाक से भाई। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो होना ज़रूरी है, पर ये थोड़ी ना कि उसको करने के लिए जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं वो सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तुम जो बोल रहे हो वो तुम सिर्फ एक लॉ लगा के बोल रहे हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फॉलो करना ज़रूरी है, जैसे उनका पोटेंशियल सेम होना। जब इन दो कंडीशन को एक साथ लगाओगे तो ये निकल के आएगा रिजल्ट, एक यूनिक सॉल्यूशन बचेगा। तो एक तरीका हो गया हमारे पास बाई कॉन्टैक्ट, अगर कंडक्टर्स को चार्ज करना है। एक और तरीका होता है कंडक्टर्स को चार्ज करने के लिए, बाई इंडक्शन। तो कोई बता सकता है इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है? तो ठीक है, हम इंडक्शन का मतलब समझ लेते ना, इंडक्शन मोटर तो एक अलग चीज़ हो गई, वो तो इंजीनियरिंग हो गई। इंडक्शन देखो, इंडक्शन में क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज कंडक्टर, ये भी कंडक्टर्स के लिए है ना, तुम्हारे पास एक चार्ज बॉडी है उस पर फिर से मान लेते हैं 5 कूलम का चार्ज है, और तुम्हारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, सही है, न्यूट्रल बॉडी है, ये भी कंडक्टर है ना, न्यूट्रल कंडक्टर, इसका कंडक्टर होना ज़रूरी है क्योंकि चार्ज सिर्फ कंडक्टर्स पे फ्लो कर सकता है। अब क्या होगा जब तुम इस बॉडी को इस वाली बॉडी के पास लेके आ जाओगे, ये 5 कूलम की बॉडी है, तुमने क्या करा इस बॉडी को उठाया न्यूट्रल बॉडी को और इसके पास ला के रख दिया, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये होता है, अभी हम थोड़े आगे जाके पढ़ेंगे कि जो चार्ज होता है वो फील्ड क्रिएट करता है, या फिर चलो फील्ड को भूल जाओ, थोड़ी देर के भूल जाओ, फील्ड नहीं पता ना तुम्हें, मैं बिना उसके भी समझा दूंगा भाई। कंडक्टर है ना, अब तुम्हें पता है कंडक्टर का मतलब ही होता है कि उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो उनके हाई आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत कम होती है और ऑलमोस्ट वो बाहर होते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। जैसे इसको
कंडक्टर को तुम कैसे समझ सकते हो? कोई भी स्विमिंग पूल जैसा समझ लो ना, उसमें बहुत सारे लोग फ्रीली बताए स्विम कर सकते हैं ना, वैसे ही समझ लो कंडक्टर इज द स्विमिंग पूल फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं कंडक्टर में कहीं भी। तो ये अभी जब बिल्कुल दूर रखा हुआ था तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे थे सारे के सारे, है ना। अब क्या हुआ, तुम जैसे ही इसको पास लेके आ गए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब तुमको पता है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे अभी जो फ्रीली मूव कर रहे थे, उनको एक अट्रैक्शन मिल गया है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो मैक्सिमम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर पे इसके पास आ जाएंगे। और जैसे ही इस एरिया के इलेक्ट्रॉन इधर पे आ गए, यहाँ पे एक नेट क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नेट पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर चार्ज इंड्यूस हो गया। मतलब यहाँ पे तुमने उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं करा, बिना कॉन्टैक्ट के फील्ड के कारण चार्ज क्रिएट हो गया है। लिखो है ना, फिर बताता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि परमानेंटली चार्ज आ जाए इस पर, तो क्या करो, इसके बाद इसको ग्राउंड कर दो। देखो इंडक्शन तो यहीं खत्म हो गया ना, जो इंड्यूस बताना था, इंड्यूस कैसे होता है बस मैं बता रहा हूँ। अगर परमानेंटली चार्ज लाना चाहते हो तो और क्या कर सकते हो, इसको ग्राउंड कर दो। ये ग्राउंड करने का सिंबल होता है ना, तो ग्राउंड करने से क्या होता है कि अब ये तुम पढ़ोगे कि जो अर्थ होती है उसका पोटेंशियल हम जीरो मान के चलते हैं ना, तो इसका भी पोटेंशियल वो जीरो करने की कोशिश करेगी, तो इसका जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना वो नीचे चला जाएगा। और फिर इसको बताए दूर ले जाओ, इस यहाँ से ग्राउंडिंग हटा दो और इसको दूर ले जाओ, तो इस पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये तरीके होते हैं ना, तुम नेट चार्ज भी इंड्यूस करा सकते हो। क्योंकि दूर नहीं ले गए तो बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पास में रहेगा, इसको दूर ले जाओगे तो पूरे पे स्प्रेड कर जाएगा यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर नहीं ले जाओगे तब भी रहेगा। और ये सब चीज़ें खुद से तुम प्रेडिक्ट करने लगोगे जब हम आगे पढ़ेंगे, है ना। आगे हम ग्राउंडिंग वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे तो अच्छे से तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कैसे काम करता है ये सब, ठीक है। तो ये इंडक्शन, तो कंडक्टर्स को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में ले आओ, या फिर कंडक्टर को किसी चार्ज बॉडी के पास में रख दो, तो उससे भी चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब देखते हैं भाई जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको कैसे चार्ज कर सकते हैं हम। फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स का बताओ एग्जाम्पल, नॉन मेटल्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स। तो देखो इंसुलेटर को करने का तरीका होता है हमारे पास, जो दो कंसेप्ट को तुम लोग मिक्स कर रहे थे, बाई फ्रिक्शन। देखो इंसुलेटर्स का मतलब क्या है कि जैसे लोग थे ना, लोग स्विमिंग पूल में तैर रहे थे और तुमने एकदम से किसी तरीके से पूरा स्विमिंग पूल का पानी ना फ्रीज कर दिया, मतलब आइस में कन्वर्ट हो गया, तो अब जो भी स्विम कर रहे थे फंस गए ना, अब वो फ्री नहीं है यहाँ वहाँ जाने के लिए। तो इसी तरीके से सोच सकते हो कि इंसुलेटर्स पे भी, देखो एटम्स तो हर जगह हैं तो वहाँ पर भी एटम्स हैं, पर जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इंसुलेटर जिन भी मटेरियल्स के होते हैं, जिन एलिमेंट्स के होते हैं, वो उनकी एक्साइटेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर जो इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बताए रूम टेम्परेचर पर ही वो फ्री हो जाए और इधर उधर घूमने लगे, उसको अच्छा खासा हीट करना पड़ेगा तब जाके वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। हीट करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि हीट से एनर्जी मिल जाती है उनको, वो एक्साइटेशन एनर्जी फ्री होने के लिए, है ना, जो न्यूक्लियस की जो एट्रैक्टिव फील्ड है उससे बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो अब इंसुलेटर को इस तरह से सोच सकते हो कि भाई इंसुलेटर में है तो इलेक्ट्रॉन्स, पर वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री नहीं है, वो वहीं पे रहते हैं, वो कहीं घूम नहीं सकते, उनका फ्रीडम नहीं है यहाँ जाने का। तो तुम अगर दो इंसुलेटर्स को टच कर दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। मान लो एक इंसुलेटर पे -10 कूलम चार्ज है, दूसरे इंसुलेटर पे -20 कूलम चार्ज है, तो मैं इनको टच करूँ कुछ भी नहीं होगा, कोई चार्ज का ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज है वो कैसा है, बाउंड चार्ज है। तो तुम इंसुलेटर्स को कॉन्टैक्ट में ला के चार्ज का ट्रांसफर नहीं करवा सकते, ये समझ में आया क्या? अच्छा वो बता रहा हूँ ना, चार्ज कैसे ला सकते हैं इंसुलेटर पे, वही तो बता रहा हूँ। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ कैसे ला सकते हैं, वही तो पढ़ने वाले हैं भाई, फ्रिक्शन। देखो जब तुम स्केल लेते थे, स्केल जिस मटेरियल के, प्लास्टिक, वो इंसुलेटर है, तो जब तुमने उसको रब कर अपने हेयर्स पे ना, ड्राई हेयर पे, ड्राई हेयर इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए, इसलिए ड्राई हेयर्स बोलते हैं हम। ऐसे कोई भी दो मटेरियल ले लो, है ना, तो क्या होता है कि एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में जम कर जाते हैं। तो फ्रिक्शन से होता क्या है, पहले तो फ्रिक्शन से एक तो कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया ट्रांसफर के लिए, दूसरा जब तुम रब करते हो तो एनर्जी मिलती है ना, पता है ना, जो एनर्जी काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हीट में कन्वर्ट होता है, और वो हीट एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको मिल जाती है एक्साइट करने के लिए। जो फ्रिक्शन से जो हीट क्रिएट हो रही है वो क्या करती है, उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देती है। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, दूसरा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह से एक जगह से दूसरी जगह जंप मार लेता है। जैसे तुम क्या करो, एग्जाम्पल होता है, एक सिल्क का क्लोथ लो, है ना, सिल्क लो,
और उसको ग्लास के ट्यूब पे रब करो, जो ट्यूबलाइट होती है उस पर रब करो, तो उसको थोड़ी देर तुम रब करोगे ना, तो जो तुम्हारा सिल्का क्लोथ होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और जो ट्यूबलाइट होती है वो तुम्हारी क्या हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज। मतलब क्या हुआ, जब तुमने उसको रब करा तो हीट क्रिएट हुई, हीट से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो ग्लास था उससे निकल के सिल्क में चले गए। तो फ्रिक्शन से तुम इनको कर सकते हो, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है लिख लो, है ना, एग्जाम्पल है व्हेन सिल्क क्लोथ इज रब्ड ऑन ग्लास ट्यूब, व्हेन सिल्क क्लॉथ इज रब्ड ऑन ग्लास ट्यूब, सिल्क गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड ग्लास ट्यूब गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्लियर है क्या? इंसुलेटर में, अरे इसलिए पहले तो बाउंडेड है इसलिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं, जिसमें बाउंडेड नहीं है वो इंसुलेटर नहीं है, जिसमें बाउंडेड है वो इंसुलेटर है। अब यार तुमने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी, एक्साइटेशन एनर्जी पढ़ी है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सबकी अलग अलग होती है ना, क्यों अलग अलग होती है, बस वहीं से आ रहा है सारा कंसेप्ट, वहीं से निकल के आ रहा है। तो जिनमें ज़्यादा है मतलब उनके बाउंड है, बाउंड मतलब उनको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और रूम टेम्परेचर पर उतनी थर्मल एनर्जी नहीं मिल पाती। सिल्क नेगेटिवली चार्ज रब करने से हो गया ना, क्योंकि ट्यूब पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो सिल्क नेगेटिवली हुआ। तो ये पूछना चाह रहे हो कि भाई ट्यूब नेगेटिव हो सकता था, तो भाई ये भी क्वेश्चन है ना कि भाई सिल्क और तुमने ट्यूब को रब करा तो सिल्क ही नेगेटिव क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो कि भाई ट्यूब नेगेटिव हो जाए और सिल्क पॉजिटिव हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता था भाई। चार्ज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो ऐसे ही क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में जा रहा है, उसका अदरवाइज भी तो हो सकता है, उसका अपोजिट नहीं। इसका आंसर वही पीरियोडिक टेबल पे तुमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, उनमें से एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करती है एक्साइटेशन एनर्जी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। और सोचो और कौन सी प्रॉपर्टी है, अब 8-10 ही तो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, सोचो एक बार। को भाई कोई कुछ एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार होता है, वो खींचते हैं, किस प्रॉपर्टी से एक्सप्लेन करते हैं उसको हम, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिविटी मत बोलना कोई ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना। तो लिखो डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम्हें पता है ना, इलेक्ट्रॉन की तरफ चाहत है ना, कौन इलेक्ट्रॉन को कितनी ज़्यादा चाहता है ये समझ लो। बाकी भाई बता दो असली डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में लिखते होगे ना कुछ, नहीं है, ठीक है वही है वो हिंदी में बोल रहे हैं हम, तो ठीक है लिखो क्या लिख रहे हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, व्हेन ए बॉडी विद हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रब्ड अगेंस्ट अनदर बॉडी हैविंग लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी द फर्स्ट बॉडी गेट्स नेगेटिवली चार्ज्ड एंड द सेकेंड बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो सिल्क की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ग्लास से ज़्यादा होती है, अगर सिल्क को किसी ऐसे मटेरियल से रब करो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिल्क से भी ज़्यादा हो तो सिल्क पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है भाई कौन कितना ताकतवर है, जो ताकतवर होगा वो छीन लेगा।